दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव जी। हमारे साथ हैं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और एक जीत का मंत्र देने आज यहाँ जसपुर आए हैं और अभी ये कुनकुरी के रेस्ट हाउस में हमारे साथ बैठे हैं। तो सर, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको दर्शकों को भी बहुत बहुत जोहार। सर, आज किस तरह से मतलब आज क्या कैसे आना हुआ यहाँ? आज हमारी प्रदेश जिला स्तरीय विस्तारित बैठक है जिसमें सभी हमारे प्रमुख नेतागण, जिले के विधायकगण, कार्यकर्तागण, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, जनप्रतिनिधि, आप कह लीजिए ये हमारा पूरा जसपुर जिला कांग्रेस कमेटी का परिवार, हम लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे, हमने क्या क्या किया उसका आकलन करेंगे, क्या आगे करना है उस पर चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से। और आपको पता है कि जय भारत सत्याग्रह चल रहा है पूरे देश में, पूरे जो प्रकरण है लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको लेकर के एक महीने से हमारा आंदोलन इस पर चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। अभी तीसरे चरण में हमारा नुक्कड़ सभाएं हर एक ब्लॉक में करने का है, तो उसका आकलन कैसे करना है, क्या करना है, क्या फिर, तो मोटा मोटी आप कह लीजिए कि ये एक रूटीन वर्क है कि हम जिला के कार्यकारिणी की, विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारी यहाँ पर आते थे, इस बार हमें आने का यहाँ पे मौका मिला ताकि हम भी एक बार समझ करके और देखें, उनकी बात सुने, फीडबैक लें। आप कह लीजिए कि पूरा नेतृत्व जसपुर का, जिला कांग्रेस कमेटी का, हम लोग बैठ करके चुनाव, आने वाला चुनाव को लेकर के, विधानसभा, लोकसभा और तमाम जो हमारे सरकार के कामकाज हैं, जय भारत सत्याग्रह को लेकर के, हमारे संगठन का बूथ कमेटी के गठन का लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, सभी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चिंतन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग आपस में रणनीति तैयार करेंगे। सर, दैनिक भास्कर की अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 60% विधायकों से लोग नाराज हैं, तो ऐसे में क्या ये मतलब लोगों की नाराज़गी दूर की जाएगी या फिर जो टिकट मतलब औरों को दिया जाएगा, मतलब टिकट में बदलाव होगा, क्या क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो मुझे लगता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साह जी से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे कि कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा आ रही है। वो इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जो हमने जनता से वायदे किए थे 2018 में, जो 36 हमारी घोषणाएं थी, हमने उसको 3/4 से ज़्यादा घोषणाओं को ज़मीन पे ला दिया है। जनता से जो हम, जनता को जो हमसे उम्मीद थी उनके आशीर्वाद से, हमने उसको पूरा किया है। हमने हर एक वर्ग को, हर एक क्षेत्र को, हर एक व्यवसाय के लोगों को हमने उसमें ध्यान रखा है, उनके साथ न्याय किया है, चाहे किसान हो, मितान हो, सियान हो, युवा हो, महिला हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, शिक्षाकर्मी हो, व्यापारी वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, आदिवासी हो, रायगढ़ हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, बस्तर हो, नांदगांव हो, हर एक क्षेत्र में हमने जाकर के वहाँ के लोगों की कठिनाई को दूर करने की कोशिश की है। आप ये भी देख लीजिए कि 2 साल जो हमारा वेस्ट हुआ कोरोना काल में, आप उसको छोड़ दीजिएगा, फिर भी जो हमें 3 साल में हमने 36 वायदे को ज़मीन पर लाने का काम किया, और मुझे लगता है कि जनता हमारे काम से, इस तरह से जब हम घूमते हैं कार्यकर्ताओं, उसका जो फीडबैक आता है वो कहते हैं कि नहीं, किसान मन हो, मजदूर मन हो, मितानिन हो, सब खुश हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी दलगत राजनीति है, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण ने अच्छा काम किया है, हमारा संगठन ने जनता की सेवा की है, सरकार के कामकाज को ज़मीन पर लेकर आए हैं। अब जो हमारी लड़ाई है साथ साथ में, जो केंद्र सरकार जिस तरह से हिंदुस्तान की जो नींव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, भाईचारा, कह लीजिए आप अनेकता में एकता का जो भावना है, विकास का जो एक मॉडल है, उस पर कहीं ना कहीं जो करारा चोट कर रही है, उस पर हम सामूहिक रूप से पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी उससे लड़ रही है। सर, पार्टी के अंदर मतलब ऊपर से नीचे तक काफ़ी खींचतान मची हुई है, TS बाबा इसके ये मतलब एग्जांपल है, तो ऐसे में अगर संगठन के जब लोग इस तरह से अगर खींचतान होगी तो जीत की हमें उम्मीद कैसे करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खींचतान स्वाभाविक है क्योंकि रमन सिंह से लेकर के जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा जिन मंत्रियों ने,
पूरा एक भारतीय जनता पार्टी का वर्ग चाहता है उसको हटाना, एक वर्ग नए लोग जो आए हैं, तो उनमें ज़्यादा मुझे लगता है कि संघर्ष और लड़ाई है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि सभी मंत्रीगण, कोई मनभेद नहीं है, कोई बात को लेकर के थोड़ी बहुत हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर का, आप अभी देखें ना बस्तर में कार्यक्रम था, सभी मंत्रीगण एक साथ बैठ कर के, और जो भरोसे का सम्मेलन था उसको किस तरह से हम लोगों ने, जनता ने हमें समर्थन दिया, सभी पूरा नेतृत्व, विधायकगण, सभी लोग थे, संगठन के लोग, सारे लोग वहाँ मिलकर के एक साथ कदम से कदम मिला करके, आवाज़ से आवाज़ मिला करके कर रहे थे। हमारे यहाँ बिल्कुल ही एकजुटता है, सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक एजेंडा है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह से जो आप कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा दिख रही है, और ये सबको पता है। सर, ये जो बीजेपी जो दुष्प्रचार करती है, मतलब जो नए नए इशूज लाती है, इसको कांग्रेस के लोग इसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। भावनात्मक मुद्दे की खेती भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी भावनात्मक मुद्दों के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, ना उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। चाहे धर्म, जाति, ये सब मुद्दे लोगों को भावुक कर देते हैं, जिसमें एक लेवल के पब्लिक को समझाना भी तो है ना कि मुद्दे, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही एक मकसद नहीं है कि आप विधायक खरीद करके सरकार बना लो, आप धर्म के आधार पर उन्माद फैला करके लोगों को विभाजित करके सत्ता में आ जाओ, जातीय आधार पर आप हिंसा करा करके, भेदभाव करा करके सरकार में आ जाओ। ये हम कतई नहीं किया है, ना करेंगे। हम अंग्रेज़ों से लड़े तब नहीं किए, ये कहाँ से हमसे टिकेंगे। तो हमारी जो एक विचारधारा है और उस और एक गोल है, हम उसको किस तरह से अपनाएंगे, उसकी भी एक हमारी एक विचार है कि पैसा तो आप चोरी से भी कमा सकते हो, पसीने से पैसे कमाना है ना, तो उसी तरह से हम जनता का दिल जीतेंगे। कैसे? प्यार से, भाईचारे से, संवाद करके, ये ना कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिए, एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को लड़ा दिए, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म को लड़ा दिए, एक जाति के लोगों को दूसरे जाति से लड़ा दिए, एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र से लड़ा दिए। ये हमारी मेथोलॉजी हो ही नहीं सकती है। और हम अहिंसा की बात करते हैं, कहीं हिंसा की नहीं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के गिरफ्त में आकर के उनको गोली मार दी जाती है आप लोगों के सामने। तो ये हमारा मेथोलॉजी जो है ना, किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं और उसको कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पैसा कमाना है तो आप किसी का छीन लो, तो भारतीय जनता पार्टी ये करती है। हम क्या करते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम उस पर जो हमारी विचारधारा है उस पर सत्य, अहिंसा, भाईचारा, राहुल जी क्या कहते हैं, डरो मत, सत्य के लिए खड़े रहो, कुछ भी हो जाए माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों माफ़ी मांगेंगे जब हमने गलती नहीं की? भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से ही जो हुई उसकी विचारधारा को क्रियान्वित करने का जो उसकी एक मेथोलॉजी है, वो बिल्कुल ही हिंसा पे आधारित है, नफरत पे आधारित है। तो वो उनकी इसी तरह की राजनीति करेंगे, और संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ करना बिल्कुल नंगापन हो गया है। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि गुजरात के प्रकरण में अभी जो जज राहुल जी की सुनवाई कर रहे थे वो अमित शाह की वकील रह चुके हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, छोटे जो ऐसे से आप प्रकरण, और जब आप क्रोनोलॉजी देखिएगा राहुल जी का निष्कासन का, तो आपको पूरी स्टोरी कह देती है कि ये बिल्कुल ही प्रायोजित था, संयोजित तरीके से उनको निकाला गया। कोई तथ्य नहीं उस हिसाब से था कि जिसपे इस तरह के निर्णय लिए जा सकते। सर, एक हम अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था आपको, मतलब प्रदेश में काफ़ी बेहतर चल रहा है, ये दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पिताजी अरेस्ट कर लिए गए, लेकिन बहुत से ऐसे जिलों में ऐसा हुआ कि भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, चाहे वो रायगढ़ का मामला लीजिए, चाहे कोरबा का मामला लीजिए, लेकिन उनके खिलाफ मामले तक दर्ज नहीं, कार्रवाई नहीं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में दोनों तरह से सवाल होते हैं। अगर किसी के पिताजी रहे, मेरे हो, किसी कार्यकर्ता का रहे, मुख्यमंत्री जी का, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये दिखाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर हम ये नहीं करते तो आप फिर कहते कि उनके पिताजी थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अब जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमने ये तो हमारी जो पॉलिसी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, है ना, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हमारे तिरंगा झंडा से ऊपर कोई झंडा नहीं है, हम इन चीज़ों में विश्वास करते हैं।
तो जो हमें कानून सिखाया है, जो हमें संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो संविधान ने आदेश दिया है उसका हम पालन करते हैं। उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मेरी बहन है, ये मेरा पार्टी का लोग है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस तरह से हम निर्णय नहीं लेते। लेकिन भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, चाहे रायगढ़ का मामला हुआ, चाहे कोरबा का मामला हुआ, फिर कानून व्यवस्था पर लोगों को विश्वास कैसे आएगा? कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास पूरी तरीके से है। हम जिस तरह से बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, द्वेष, हिंसा, ये सबों से ऊपर उठकर हमने हर एक वर्ग के साथ, चाहे न्यायपालिक मतलब हमारी कानून व्यवस्था हो, हमने सबको कानून के नज़र से देखा है। किसी को ये नहीं देखा है कि ये बस्तर का है या ये बिलासपुर का है, ये रायपुर का है, ये रायगढ़ का है, ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है। जिन जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, हम उसके साथ जो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया है उसको किया है। बीजेपी अध्यक्ष का एक बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है यूपी के तर्ज पर, क्योंकि यहाँ भी अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अगर हमारी सरकार आती है, उन्होंने कहा है, तो हम भी बुलडोजर कानून लाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता सत्य, अहिंसा, भाईचारा में विश्वास करती है। गांधी जी के विचारों को यहाँ पर प्रदर्शित करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर बुलडोजर चलाएगी। यहाँ पर हमने जनता के बीच वो समन्वय, वो प्यार, वो आप कह लीजिए कोऑर्डिनेशन ऐसा स्थापित किया है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर लिया, अभी हाल में ही बेमेतरा में उन्होंने कोशिश किया, आप समझ लीजिए कि जिस स्तर तक ये जा कर के द्वेष की राजनीति और नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं और उसमें घी डालने का काम करती है, बताइए कौन सा, ये सिर्फ सत्ता के लिए भूखे हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति सत्ता के लिए बिल्कुल ही नेकेड हो जाए कि कुछ भी करूँगा, उसके लिए संविधान के दायरे में न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक चुनौती हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए ना, लेकिन हम नहीं, कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है ना। हम राहुल जी ने क्या कहा है कि नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हम नफ़रत को नफ़रत से नहीं मानना चाहते हैं, हम हिंसा को हिंसा से नहीं मानना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं हिंसा को अहिंसा से, जो हमारी गांधी जी का सत्याग्रह से, हम उनसे आग्रह करेंगे, हम उनसे अपील करेंगे, हम उनसे भाईचारे की बात करेंगे, आइए सब मिल करके, वही तो हमारी सरकार ने किया अभी में जरा, आइए मिल बैठ करके। उसमें जा करके बीजेपी का लग रहा है वो टूरिज़्म था, जहाँ जाके नेता और लोगों के आपस में समन्वय बनाने के चलते उसमें बंटवारा कर रहे थे। ये कहीं हमें लेके नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप हो सकता है, आप कितने विधायक खरीदेंगे, कितने खरीद करके कितनी सरकारें आपने बदल ली, ये लोगों को अब दिख रहा है ना। तो ये जो एक मामला सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता से हटाने का ही नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे उखाड़ फेंक रहे हैं, संवैधानिक जो हमारा तरीका है, संविधान में जो हमें ताकत दी है, उस ताकत के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे, उनके विचारों को कमज़ोर करेंगे, उनके विचारों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर आखिरी सवाल, ये छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने को है, ये अपना ये मॉडल मुद्दा क्या होगा कि हम पब्लिक के पास जाएंगे, मतलब मॉडल क्या होगा हमारे पास जो हम लेकर के जाएंगे पब्लिक के बीच? हमारा आपने देखा होगा कि जब 2018 का चुनाव हुआ तो हमने जनता से पूछ करके वो घोषणा पत्र बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी आदत नहीं है चीज़ों को थोपने का, हम जाके पूछेंगे युवाओं से, उनसे संवाद करेंगे, जिस तरह से हमने 2018 में आपको याद होगा किस तरह से हमारे नेताओं ने जगह जगह जा करके हर एक समुदाय के लोगों से, हर एक व्यवसाय के लोगों से जा करके, हर एक क्षेत्र में जा करके उनसे संवाद किया, चाहे रेड़ी वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, हर एक लोगों से जा करके हमने उनसे, मितानिन हो, महिलाएँ हो, सबसे हमने जा करके पूछने की कोशिश की, आप कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ में आप अपना न्याय किस तरह से ढूंढ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या काम करे, हम फिर वो एक्सरसाइज करेंगे ये, और वो एक्सरसाइज के बाद जो आता है ना तो हमें भी उसमें सीखने को मिलता है। ये जो राहुल जी कहते हैं कि हम जनता के एस्पिरेशन को, उनके सपनों को जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं कि हमारा भाई, हमारे जसपुर के लोग क्या चाहते हैं,
यहाँ रोड कहाँ से कहाँ बने, यहाँ सड़क, यहाँ बिजली पानी सड़क या जो भी इस तरह से मुद्दे हैं, यही तो है जन जन भागीदारी और जन जनता की सरकार। तो यही तो है कि हम जनता से पूछ करके काम करें। इसलिए जो हमारा घोषणा पत्र आगे भी जो आएगा 2023 का, जब हम जनता के बीच जाएंगे कि हमें हमने ये 36 वादे 2018 में किए थे, वो आपके पास मेरा हमारा रिपोर्ट कार्ड है, आप हमें मार्क्स दे दीजिए और ये हम आगे 5 साल में ये इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, ये चीज़ हमारी नहीं है, ये चीज़ हम करेंगे वो, मगर हम जनता से पूछकर, जनता से संवाद कर, या ना कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे एक व्यक्ति है जिनको तो क्या TS बाबा को जिम्मेदारी फिर से दी जाएगी इस काम के लिए? जैसे पिछले बार दिया गया था उनको जिम्मेदारी, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो पूरी रूपरेखा है, जो हमारा मेथोडोलॉजी है काम करने का, मैंने उसका जिक्र किया। उसके बाद व्यक्ति आता है कि संगठन फिर तय करेगा कि हमारे विनय जी को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मीन साहब को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वसुदेव जी की क्या जिम्मेदारी दिया जाएगी, हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, ये संगठन के हमारे जो एक ढांचा है वो डिसाइड करता है। तो जो जो हमें जिस रोल में जो जो पार्टी हमें निर्देश करेगी, वो एक हमारा तरीका है, उससे हम करेंगे। चाहे जो भी आएगा कि कौन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष होगा, कौन प्रचार समिति का अध्यक्ष होगा, ये पार्टी तय करेगी मिलजुल करके, फिर उसमें आपको पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी, जिनका कहना है कि 2018 में जो फार्मूला अपनाया गया था घोषणा पत्र बनाने का, वही फार्मूला 2023 में भी अपनाया जाएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स जाकर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।